हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट्रैक्टिव लूप्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज ये छोटू सा कॉइन पर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनाने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसको मैंने एक बिल्कुल ही अलग तरीके से डिज़ाइन किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको देखकर लगता है जैसे कि तीन पॉकेट अलग अलग बनाकर एक जगह जोड़ दी गई हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें मैंने एक ख़ास तरीके का यूज़ किया है, जिससे ये पॉकेट अपने आप ही बनाते बनाते ही मतलब जुड़ती चली जाती हैं, अलग से हमें इनको जॉइंट नहीं करना पड़ता है। तो आपको वो ट्रिक ज़रूर पसंद आएगी, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो तीन पॉकेट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब भी हम किसी हैंडबैग में या पर्स में कॉइन डालते हैं तो वो एक जगह मिक्स हो जाते हैं, और फिर वो हमें हाथ में निकाल कर देखने पड़ते हैं कि हमें कौन सा चाहिए। जबकि इसमें हम एक बार डिसाइड कर लेंगे कि हमें कौन सी पॉकेट में कौन सा कॉइन डालना है, और उसी हिसाब से फिर हम इसको यूज़ करेंगे, तो हमें बार बार कॉइन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो है ना बहुत ही काम का। ये देखिए, टिच बटन मैंने इसमें यूज़ किए हैं इसको लॉक करने के लिए, छोटी सी बेल्ट हमने इसमें लगाई है। आखिर में इस पर्स को कंप्लीट करने के लिए बिल्कुल ही अलग तरीके से मैंने इसमें ये तीन किनारियां बनाई हैं, जो कि इस पर्स को बिल्कुल बहुत ही खूबसूरती के साथ कंप्लीट करती हैं। तो मैं किन के साथ कह सकती हूँ, आपने इस तरह का पर्स इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, लेकिन इस वीडियो के बाद हो सकता है बाकी चैनल भी इस पर्स को बनाएँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 4 प्लाई की बारीक वाली ऊन, 14 नंबर का क्रोशिया और एक कटर हमें इसके लिए चाहिए। तो सबसे पहले हम एक मैजिकल रिंग बनाएंगे। तो ये देखिए, तो इस तरह से अपने फिंगर्स की बैक साइड पर हम एक एक्स बनाएंगे इस तरह से, और नीचे वाला धागा ऊपर को उठाएंगे और पीछे वाला धागा आगे की तरफ लेकर आएंगे, और ये एक लूप हमारी क्रोशे में आ गया है और नीचे एक मैजिक रिंग हमारा बन गया है। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, और ये 3 चेन एक डबल क्रोशे की गिनती में आएगा। अब यार्न ओवर करेंगे और क्रोशे डालेंगे रिंग में, ऊन को आगे लाएंगे, पहले 2 लूप्स में से ऊन निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से ऊन लेकर क्रोशे से निकाल देंगे। तो ये एक डबल क्रोशिया हो गया, यार्न ओवर करेंगे और एक डबल क्रोशिया और हम बनाएंगे। तो ये जो रिंग हमने बनाया है इसके ऊपर हमें 3 चेन को मिलाकर 16 डबल क्रोशिया अपने कंप्लीट कर लेने हैं। ये देखिए, 16 डबल क्रोशिया मैंने अपने पूरे कर लिए हैं। अभी जो रिंग हमने बनाया था इसमें जो ये धागा है इसको हम खींच कर टाइट कर देंगे। अब जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन बनाई थी उसकी तीसरी वाली चेन में, ऊपर वाली चेन में हम एक स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइन कर देंगे। तो ये फर्स्ट रो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है और ये एक गोल रिंग हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और अपना सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए यार्न ओवर करेंगे और ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारे नीचे 3 चेन है, इसके ऊपर हमारी 3 चेन आ गई और ये हमारा डबल क्रोशिया है। तो इस डबल क्रोशिया के सिर्फ फ्रंट लूप को हमें क्रोशिया में लेना है। ये देखिए, 2 धागे हैं, ये एक पीछे की तरफ एक आगे की तरफ, सिर्फ आगे वाले धागे में हम क्रोशिया डालेंगे 1 धागे में, और अपनी ऊन को आगे लेकर आएंगे, पहले 2 लूप्स में से निकालेंगे ऊन, फिर 2 लूप्स में से निकाल देंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे और इसी वाले चेन में जिसमें हमने अभी डबल क्रोशिया बनाया है, इसी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया और हम बनाएंगे। तो ये एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब यार्न ओवर करेंगे, अब जो हमारा आगे वाला डबल क्रोशिया है इसका फिर से आगे वाले धागा लेंगे हम, इसमें क्रोशिया डालेंगे, ठीक है, एक ही धागे में क्रोशिया डालेंगे और इस एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो इसी तरह से एक एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हमें बनाने हैं, सिर्फ आगे वाला धागा लेकर, ठीक है। तो फर्स्ट रो में हमने 16 डबल क्रोशिया बनाए हैं और सेकंड रो में हमारे कुल मिलाकर 32 डबल क्रोशिया हमें चाहिए होंगे। तो ये सेकंड रो में कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, एक एक चेन में 2 डबल क्रोशिया हमने बनाए हुए हैं। तो ये देखिए, 32 डबल क्रोशिया मेरे कम्प्लीट हो गए हैं। अब स्टार्टिंग में जो हमने 3 चेन बनाई थी इसकी तीसरी वाली चेन में हम स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइन कर देंगे, ठीक है, तो इस तरह से ही दिखाई देगा। अब तीसरा रो स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए पहले 3 चेन बनाएंगे, अब यार्न ओवर करेंगे और ये जो डबल क्रोशिया है हमारा, ये 3 चेन है और इसके आगे डबल क्रोशिया है ये वाला, इसके ऊपर दोनों लूप्स में इस बार हम क्रोशिया डालेंगे, और नॉर्मली जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं ऐसे ही डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो एक ही चेन में से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये एक ही चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यार्न ओवर करेंगे और ये आगे वाला जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हम एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे,
ठीक है। अब आगे वाले डबल क्रोशे पर आ जाते हैं, तो इस वाले के ऊपर हमें फिर से दो डबल क्रोशे बनाने हैं, एक दो, ठीक है। अब इसके आगे वाले डबल क्रोशे के ऊपर फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो थर्ड रो में हमें दो एक दो एक दो एक इस तरह से करते हुए हर एक चेन में अपने डबल क्रोशे बनाने हैं। ये देखिए, इस चेन में दो बनाए हैं, अगली वाली चेन में एक बनाया है, फिर एक चेन में दो बनाए हैं, फिर एक चेन में एक बनाया है। ये देखिए, थर्ड रो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। मैंने कहाँ पर अपना काम छोड़ा है ये देखिए आप, सात चेन मेरी बची हुई हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है, सात चेन बची हुई हैं और यहाँ पर मैंने अपना काम फिनिश कर दिया है। ये आखिरी बार मैंने एक ही चेन में दो डबल क्रोशिया यहाँ पर बना दिए हैं। अब इस धागे को हम कट कर देंगे और एक चेन यहाँ पर हम बनाएंगे और इस धागे को ऊपर की तरफ निकाल कर इसको हम टाइट कर देंगे, तो यहाँ पर एक नॉट हमारी लग जाएगी, ठीक है। तो इतना ही हम इसको बनाएंगे, पूरा गोल हमें इसको कंप्लीट नहीं करना है। अभी देखिए, इसको हम पलट लेंगे और ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, अब मैं वो ट्रिक आपको बताने वाली हूँ जिसका मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था। ये देखिए, जो हमने अपना फर्स्ट रो कंप्लीट करके सेकंड रो बनाया था उसमें हमने सिर्फ आगे वाले धागे लेकर काम किया था, तो जो पीछे वाले धागे हैं हमारे वो अभी भी हमारे पास हैं, उनको आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। ये देखिए, ये वो धागे हैं जो हमने एक एक धागा छोड़ दिया था, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये तीन चेन है हमारी जो हम स्टार्टिंग में बनाते हैं, उसके बाद में ये इसकी चेन है, ठीक है। तो अगर आप गिनेंगे तो ये 17 चेन आपको नज़र आएंगी, ठीक है। 16 डबल क्रोशे हमने बनाए थे और एक थ्री चेन्स वाली ये वाली चेन नज़र आएगी, तो इसमें हम अपना धागा डालेंगे फिर से, सॉरी क्रोशिया डालेंगे इसमें हम, और ऊन को आगे लेकर आएंगे, और एक चेन हम यहाँ पर बना देंगे, तो ऊन हमारी यहाँ पर फिर से जॉइंट हो जाएगी, और तीन चेन हम इसमें हम बना लेंगे क्योंकि तीन चेन वाली चेन में ही हमने क्रोशिया डाला है, ठीक है। अब यार्न ओवर करेंगे और अपनी पहली वाली चेन में इसमें हम क्रोशिया डालेंगे, और देखिए धागा जो ये है हमारा, इसको हम साथ में ही रखेंगे, तो डबल क्रोशिया के ऊपर की जो पहली वाली चेन है हमारी, इसमें हम क्रोशिया डालेंगे, धागे को साथ में रखेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर हम बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे। अब इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो जो हमने सेकंड रो बनाया था वो वही रो हमें यहाँ पर रिपीट करना है, तो ये जो हमें 16 चेन नज़र आ रही हैं इसमें हमें 32 डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो एक एक चेन में दो दो डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, धागे को साथ में ही रखते रहेंगे, और ये रो इसी तरीके से हम पूरा सेकेंड रो कम्प्लीट कर लेंगे। 32 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पर आखिर में होने चाहिए, ठीक है। ये देखिए, हमारा रो कंप्लीट हो गया है और 32 डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब स्टार्टिंग में जो हमने तीन चेन बनाई थी, इसकी तीसरी वाली चेन में, टॉप चेन में, हम इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर देंगे। तो है ना ये बहुत ही कमाल की ट्रिक, एक ही चेन के ऊपर हमने दो लेयर अपने यहाँ पर रेडी कर ली हैं, ठीक है। और ये जुड़ गई हैं आपस में, हमें इनको अलग से नहीं जोड़ना पड़ा है, कोई जोड़ नहीं है इसमें, ठीक है। इसी तरह से हम अपना थर्ड रो स्टार्ट करेंगे, तीन चेन बनाएंगे स्टार्टिंग में, और अब हम इस पीस को पलट लेंगे। अब यार्न ओवर करेंगे और ये देखिए, नीचे ही हमारी तीन चेन है, इसके ऊपर हमारी तीन चेन आ गई, और ये आगे वाला डबल क्रोशिया है, तो इसकी चेन में हम क्रोशिया डालेंगे, दोनों लूप्स लेंगे, ठीक है, और इसमें से हम उनको आगे लाकर अपना डबल क्रोशिया बना देंगे। अब यार्न ओवर करेंगे और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और हम बनाएंगे। अब यार्न ओवर करेंगे और आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस चेन में हम एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जैसे हमने थर्ड रो आपको बनाकर बताया था, ऐसे ही हमें ये वाला रो कंप्लीट करना है। पहले एक चेन में हमने दो डबल क्रोशिया बनाए हैं, फिर एक चेन में एक बनाया है, फिर एक चेन में दो डबल क्रोशिया बनाए हैं, फिर एक चेन में एक बनाया है, तो इसी तरीके से ही पूरा रो कंप्लीट करना है हमें। जब तक हमारी सात चेन रह जाएंगी तब तक मैं इसी तरीके से इसको कंप्लीट करूंगी, जैसे हमने ये वाला रो बनाया था ऐसे ही हमें ये वाला रो अपना कंप्लीट करना है। ये देखिए, हमारा रो कंप्लीट हो गया है, दो डबल क्रोशिया एक चेन में हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं,
सात चेन हमारी बची हुई हैं। अभी सून को हम धागे कटर से कट कर देंगे और एक चेन बनाकर इसको ऊपर की तरफ खींच लेंगे। तो ये हो गया, ये एक पीस हमारा रेडी हो गया है यहाँ पर, ठीक है। और इस तरीके से ये बीच में एक ही चेन के ऊपर हमने दो लेयर अपनी रेडी कर ली हैं। तो है ना बहुत ही कमाल का काम ये। आप अपने कई तरह के प्रोजेक्ट में इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें भी आपको डबल लेयर बनानी हो आप ऐसे ही बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। अब इसी तरह के हमें दो पीस रेडी करने हैं। ये देखिए, दो पीस मैंने रेडी किए हुए हैं। उसके बाद में हम एक पीस इस तरह का बनाएंगे सिंगल। तो ये जो हमने बनाया है, इसमें जो फर्स्ट रो हमने कंप्लीट किया था, उसके बाद में सेकंड रो जब हम स्टार्ट करते हैं, ये हमारा फर्स्ट रो हो गया। इसके बाद में जब हमने सेकंड रो स्टार्ट किया है, तो इसमें हमने सिर्फ आगे का एक धागा नहीं लिया है, बल्कि दोनों धागे लेकर हमने ये वाला पीस रेडी किया है। जैसे इस वाले पीस में हमने यहाँ पर सेकेंड रो बनाया था, तो सिर्फ आगे वाला धागा लिया था, पीछे वाला छोड़ दिया था, जिसमें हमने दूसरी लेयर बनाई है। जबकि इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हम दोनों धागे लेकर नॉर्मली जैसे डबल क्रोशे बनाते हैं ऐसे ही बनाए हुए हैं। ये देखिए, आप पीछे यहाँ पर चेन नहीं है, ठीक है। तो ये वाला पीस आपको ऐसे ही रेडी करना है, दो पीस हमें ये वाले बनाने हैं सिंगल वाले, ठीक है। तो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, फर्स्ट रो हमने यहाँ पर अपना कम्प्लीट किया था, उसके बाद में यार्न ओवर करके जो डबल क्रोशे के ऊपर हमने डबल क्रोशे बनाया था, तो एक ही धागा लिया था क्रोशे में। जबकि इसको बनाने के लिए, सिंगल वाले को बनाने के लिए, दोनों धागे में हमें क्रोशिया डालना है और डबल क्रोशिया बनाने हैं। जैसे नॉर्मली डबल क्रोशिया हम बनाते हैं ना चेन को लेकर, दोनों धागे लेकर, ऐसे ही हमें इस सिंगल पीस में काम करना है। तो आई होप आप समझ गए हैं। ये देखिए, पीछे हमारी चेन नहीं है, इस तरीके से हमने ये सिंगल वाला पीस रेडी किया हुआ है। अब देखिए, इसके जो धागे हैं ये बीच वाले, इनको हम हाइड करेंगे पहले। तो इसके लिए हम इसको एक बार और खींच लेंगे, ये टाइट हो जाएगा। अभी देखिए, किसी भी धागे को उठाकर हम इसमें से ऊन को निकालेंगे और अब इसको वापस पीछे ले जाएंगे। अभी देखिए, इस तरीके से पीछे वाला धागा उठाकर इसमें से हम इस ऊन को निकालेंगे और वापस से ये वाला जो लूप है हमारा, इसमें हम ऊन को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये एक गांठ लग जाएगी। ठीक है, ये एक नॉट हमारी यहाँ पर लग गई है। अब एक नॉट और हम लगा लेंगे तो ये अच्छी तरह से सिक्योर हो जाएगा, लूज़ नहीं होगा और निकलेगा भी नहीं। तो अपने चारों पीस में जितने भी हमारे धागे हैं सेंटर वाले, उनको हम इसी तरीके से हाइड कर लेंगे। ये हो गया, अब इस ऊन को हम यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, ये छोटा सा धागा रह गया है, इसको भी हम किसी धागे के नीचे छुपा देंगे। तो चारों पीस पे हमें इसी तरीके से कर लेना है। ये देखिए, ये धागा हमारा हाइड हो गया है। अब किनारे वाला धागा मैं आपको, अब एक धागा ये रह जाता है हमारा। तो ये देखिए, इस तरीके से हम चेन में क्रोशिया डालेंगे। ये पहली चेन है हमारी, तो दूसरी वाली चेन में नीचे की तरफ से ऊपर क्रोशिया डालेंगे और ऊन को नीचे ले जाएंगे। आगे वाले में भी ऐसे ही करेंगे। तो चार पांच बार हमें इसी तरीके से करना है और फिर उसके बाद हम इस ऊन को कट कर देंगे। तो ये इसी चेन में छुप जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से दिखाई भी नहीं देगी, इसका पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो चारों पीस के ये वाले धागे भी हमें इसी तरीके से कट कर लेने हैं और इसको हम हाइड कर देंगे। अब ये देखिए, चार पीस हैं हमारे पास, ठीक है। अब इनको हम एक जगह इकट्ठा करेंगे। तो ये देखिए, ये डबल लेयर वाला है, एक हम ये लेंगे, इसके साथ में दूसरा पीस हम डबल लेयर वाला रख देंगे। अब इसके एक साइड पर हम ये देखिए सिंगल वाला लगाएंगे और जो दूसरी वाली साइड है इधर की तरफ हम ये दूसरा सिंगल वाला लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें इनको जोड़कर इनमें किनारी बनानी है। तीन किनारी जो मैंने आपको बनाई थी वो हम इधर की तरफ बनाएंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए, ये एक डबल लेयर वाला हमने लिया है और एक सिंगल लेयर सिंगल वाला लिया है, ठीक है। इन दोनों को हम एक साथ मिलाएंगे। सिंगल की जो राइट साइड है उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे, इस तरीके से इसकी किनारी पर आ जाएंगे। और ये थ्री चेन है हमारी स्टार्टिंग में, सबसे पहले थ्री चेन के बाद जो हमारा डबल क्रोशिया है, उस डबल क्रोशिया की आगे वाली चेन में, आगे वाले लूप में हम क्रोशिया डालेंगे। सिर्फ एक ही
धागा लेंगे क्रोशे में, ठीक है। और ये जो डबल लेयर वाला पीस है इसकी एक लेयर हम छोड़ देंगे पीछे की तरफ, आगे वाली लेयर ही लेंगे। और इसमें जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है इसकी चेन का हमें पीछे वाला धागा लेना है, आगे वाला नहीं लेंगे, पीछे वाला लेंगे। ये एक धागा सिर्फ पीछे वाला हम ले लेंगे। अब इसमें से अपनी ऊन को हम आगे लेकर आएंगे। ये लूप हमने बनाया हुआ है, इसको हम आगे लेकर आएंगे और इसमें एक चेन हम यहाँ पर बनाएंगे तो ऊन हमारी यहाँ पर जॉइंट हो जाएगी सिलाई लगाने के लिए। अब इन्हीं दोनों धागों में फिर से हम क्रोशिया डालेंगे। ये धागा हम अपना साथ में रखेंगे जो हमारी टेल है ऊन की, तो इसमें से हम अपने धागे को आगे लेकर आएंगे और एक बल हम इसमें लगाएंगे, इस तरीके से क्रोशिया घुमा देंगे। अब ऊन को लेकर हम दोनों लूप्स में से निकाल देंगे। अब आगे वाले डबल क्रोशे की आगे वाली चेन को हम क्रोशे में लेंगे, ठीक है। और जो पीछे वाला धागा, पीछे वाला जो पीस है हमारा, इसकी इसके डबल क्रोशे की पीछे वाली चेन को हम क्रोशे में लेंगे। ये जो टेल है धागे की इसको हम ऊपर ही रखेंगे। अब इन दोनों लूप्स में से हम क्रोशे आगे लेकर आएंगे। अभी दो लूप्स हमारे क्रोशे में है, अब इसमें हम बल लगाएंगे एक। अब इन दोनों लूप्स में से हम क्रोशे को ऊन लेकर निकाल देंगे, ठीक है। अब फिर से देखिए आगे वाला डबल क्रोशिया है हमारा, इसकी चेन की आगे वाले लूप को हम लेंगे, टेल वाला धागा ऊपर ही रखेंगे और पीछे वाले पीस की डबल क्रोशिया की पीछे वाली चेन हम लेंगे, दोनों में से ऊन को निकालेंगे। ये दो लूप्स हैं, अब हम क्रोशे से एक बल लगाएंगे इस तरह से। अब इन दोनों लूप्स में से अपनी ऊन को हम निकाल देंगे। तो पूरी सिलाई हमें इसी तरीके से लगानी है, ठीक है। आगे वाले पीस की हम आगे वाली चेन लेंगे और पीछे वाले पीस की हमें पीछे वाली चेन लेनी है। ये देखिए पूरी सिलाई मैंने लगा ली है और ये देखिए कितनी प्यारी और क्यूट सी हमारी ये किनारी बन गई है। अब एक चेन हम बनाएंगे और इस धागे को हम कट कर देंगे और इस चेन में से इस धागे को खींचकर हम टाइट कर देंगे तो यहाँ पर एक नॉट लग जाएगी। अभी जो धागा है हमारा इसको भी हम हैंड टू हैंड हाइड कर देंगे। ये देखिए पीछे की साइड पर आ जाएंगे और इसमें जो हमारे छोटे छोटे स्टिचेस हैं इसमें से हम ऊन को निकालेंगे इस तरह से। अब इसके आगे वाले टांके में निकालेंगे तो जो छोटे छोटे स्टिचेस हैं वो हमें ढूंढने हैं और उनमें से हमें ऊन को निकाल देना है। 5-6 बार हम इस तरीके से करेंगे और फिर इस ऊन को हम कट कर देंगे तो बहुत ही क्लियरली ये छुप जाएगी, ना निकलेगी ना दिखाई देगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी एक पॉकेट बनकर रेडी हो गई है। अभी दूसरी जो हमारी साथ में जुड़ी हुई है इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। इसके ऊपर दूसरा डबल लेयर वाला पीस रखेंगे और ये देखिए ये वाली बीच वाली दो किनारी हम लेंगे, इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। दो पॉकेट हमारी बन जाएंगी। उसके बाद में तीसरी वाली जो पॉकेट जुड़ी हुई है इसके ऊपर हम सिंगल वाला पीस रखेंगे और ये ऊपर वाली दोनों किनारियाँ लेकर इसके ऊपर हम अपनी किनारी बना देंगे तो तीन पॉकेट हमारी रेडी हो जाएंगी और तीनों बिना जोड़ लगाए ही हमारी पॉकेट जुड़ गई हैं। ये देखिए तीनों सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके ऊपर हमें काम करना है, ये जो हमारी पॉकेट है इस पर देखिए यहाँ पर मैंने एक सिलाई लगाई है, ये पहली पॉकेट है हमारी। इसके बाद में दो किनारे लेकर मैंने यहाँ सिलाई लगाई है। ये जो हमारी दूसरी वाली पॉकेट है इसमें यहाँ पर अब हम सिलाई लगाएंगे जैसे मैंने पहली पॉकेट पर सिलाई लगाई है। तो ये देखिए 7-7 चेन है हमारी ये दोनों। इसमें हम पहले वाले डबल क्रोशे की आगे वाली चेन में क्रोशा डालेंगे और पीछे वाले पीस की पीछे वाली चेन में हम क्रोशा डालेंगे और इसमें हम अपनी ऊन को आगे लेकर आएंगे, ठीक है। ये ऊन हमारी जॉइंट हो जाएगी। यहाँ पर एक चेन हम बनाएंगे, ये जो धागा है टेल वाला इसको हम साथ में ही रखेंगे। अब फिर से आगे वाली चेन में और पीछे वाली चेन में हम क्रोशा डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे,
नॉर्मल जो सिंगल क्रोशिया स्टिच होता है वही हमें यहाँ पर बनाना है। बस ये ध्यान रखना है कि आगे वाली पीस का हम आगे वाली चेन लेंगे और पीछे वाली पीस का हम पीछे वाली चेन लेंगे। टेल वाले धागे को साथ में ही रखेंगे तो ये साथ में हाइड हो जाएगा, तो 7 सिंगल क्रोशिया स्टिच हमारे यहाँ पर बनेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 7 चेन है काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स मेरी तरह अगर आपको भी नए नए तरीके के काम करना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो एक बार मेरे चैनल को ज़रूर ओपन करके देखें। आपको मेरे चैनल पर बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें मिलने वाली हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइनर कार्डिगन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, बेबी फ्रॉक्स, बेबी बूटीज़ और सॉक्स वगैरह के भी काफ़ी अच्छे पैटर्न मैंने अपने चैनल पर बनाए हुए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरा काम ज़रूर पसंद आएगा और आने वाले टाइम में भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं अपने चैनल पर आपको दिखाने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो ये देखिए 7 सिंगल क्रोशिया स्टिच मैंने अपने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब जो हमारी ऊन है इसको हम कट कर देंगे और एक चेन बनाकर इसको हम ऊपर खींच कर अब इसे हम हाइड करेंगे। ये जो नीचे वाली धागा है जिसको हमने साथ में लिया था इसको हम यहीं से कट कर देंगे क्योंकि हाइड हो चुका है, अभी कहीं नहीं निकलेगा। और ये जो ऊपर वाला धागा है इसको हम हाइड करेंगे, तो जैसे मैंने आपको चेन के अंदर हाइड करना दिखाया था ऐसे ही यहाँ पर हम चेन के अंदर इसको हाइड कर देंगे। सात स्टिच है हमारे पास, सातों में से हम इसको वापस ले जाएंगे पीछे की तरफ और पीछे जाकर फिर हम इसको कट कर देंगे। तो बहुत ही सफाई से ये चेन हमारी रहेगी, ये धागा बीच में नहीं आएगा ना दिखाई देगा। ये देखिए सातों चेन में हमने इसको निकाल दिया है, ठीक है। वापस हम इसको पीछे ले गए हैं, अब हम इसको यहाँ पर कट कर देंगे। ये 3 पॉकेट हमारी यहाँ पर रेडी हो गई हैं। अब इसकी बेल्ट हम बनाएंगे तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कोई सी भी साइड से हम इस तरह से इसको पकड़ लेंगे और ये 7 चेन जो है हमारी, इसकी पहली चेन में हम दोनों धागे लेकर क्रोशिया डालेंगे और उनको आगे लाएंगे, एक चेन बनाएंगे और इसी चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 7 सिंगल क्रोशिया हमें यहाँ पर अपने कंप्लीट करने हैं। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। ये 6 हो गए और ये 1 बचा है, इसको भी हम बना लेंगे। तो ये 7 सिंगल क्रोशिया हमारे यहाँ पर हो गए हैं इस तरह से। अब एक चेन हम बनाएंगे और इस पीस को पलट लेंगे। अब क्रोशिया से जो हमारी दूसरी वाली चेन है ये वाली, इसमें हम क्रोशिया डालेंगे। ये देखिए पहली दूसरी वाली चेन में हम क्रोशिया डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 7 सिंगल क्रोशिया हमें इस रो में भी बनाने हैं। तो इसी तरीके से इसको हम बार बार टर्न करेंगे और 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 13 रो हमें अपने कंप्लीट करने हैं। अब एक चेन बनाएंगे और फिर से इस पीस को पलटेंगे। तो इसी तरीके से 13 रो मैंने आपको बताए हैं कंप्लीट करने हैं हमें, और उसके बाद में हम इसको धागे को कट करके इसको हाइड कर देंगे तो बेल्ट हमारी रेडी हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें अपना टिच बटन लगाना है, तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक आ रहा है। और ये देखिए ये एक एक्सेसरी है मेरे पास, इसको मैं इसके ऊपर रखूँगी, ठीक है। आप इसकी जगह कुछ और भी अगर चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, कोई बटन आप इस पर लगा सकते हैं या इस तरह का मिरर अगर आपको पसंद है तो आप इसके ऊपर मिरर भी लगा सकती हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं ये। इसका ट्यूटोरियल भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल ये एक्सेसरी लगाने वाली हूँ जो मैंने आपको दिखाई है। और ये देखिए ये टिच बटन है मेरे हाथ में, इस तरह से इसके 2 पीस होते हैं, ठीक है। इसका जो ये पतला वाला पीस है इसको हम यहाँ पर रखेंगे सेंटर में, और इसमें 4 होल होते हैं टाँके लगाने के लिए, ठीक है। इसमें हम टाँके लगाएंगे इस तरीके से,
आप अगर चाहें तो रिपीट वाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास यही है तो मैं इनको लगा रही हूँ। तो दो दो तीन तीन टाके हम अपने हर एक होल पर लगा लेंगे। इसके बाद सुई को नीचे लेकर आएंगे और ये देखिए ये जो एक्सेसरी है इसको मैं यहाँ पर रखूँगी और इसमें भी मैं टाँके लगा लूँगी। बहुत सी एक्सेसरीज़ घर में पड़ी हुई होती हैं गर्ल्स के पास, तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं साइज़ के हिसाब से, या कोई बटन आप इस पर लगा सकती हैं। ये देखिए इस तरह से ये लग जाएगी और इसमें धागे दिखाई नहीं देंगे। ये हो गया, अब नीचे से हम इसको पक्का कर देंगे। और ये धागा कट कर देंगे। अब टिच बटन का जो दूसरा वाला पीस है उसको हम रखेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि ये कहाँ पर आ रहा है, ठीक है, सेंटर में रखेंगे इसको। और दूसरे वाले पीस को भी हम रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से इसको पकड़ेंगे। ये इसकी रॉन्ग साइड है, ये इसकी राइट साइड है। इसको ऊपर रखते हुए हम इसको यहाँ पर रखेंगे और जैसे हमने अभी आपको टाँके लगा कर दिखाए थे वैसे ही इसमें भी हम टाँके चारों तरफ लगा देंगे, ठीक है। तो ये इसमें यहाँ पर लगेगा, ये लॉक हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये रेडी हो गया है हमारा छोटू सा 3-in-1 कॉइन पर्स। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएगा कि आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा है और आपको मेरी वीडियो में क्या क्या कमी लगती है वो भी आप मुझे ज़रूर बताएगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की ब्यूटीफुल चीज़ें मैं आने वाले टाइम में भी आपको दिखा सकूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।